देखिए, फॉल ऑफ नेशंस तो हम सब जानते हैं। फॉल ऑफ नेशंस, नेशंस का एक तर्जुमा सोसाइटी भी है, कम्युनिटी भी है। तो आज का जो उन्वान है वो ये रखा गया है कि कौमें उरूज कैसे पाती हैं, कौमें जवाल पर कैसे आती हैं, और अभी इस वक्त हमारी इतनी बड़ी गलती क्या हो रही है कि हम पर सिर्फ जवाल ही जवाल आ रहा है। कुरान की तफसीर में एक शेर आपने हमेशा सुना होगा कि डॉक्टर इसरार अहमद उसे सुनाया करते थे कि कोई हमारे दरिया का अगर गिरना देखे तो वो ये मानना ही छोड़ दे कि उरूज है जवाल के बाद, हमारा सिर्फ जवाल और जवाल और जवाल ही होता जा रहा है। लेकिन अब हम एक ऐसे ज़माने में एंटर कर गए हैं जहाँ चीज़ें और तेज़ी से हमारे इख्तियार हमारे हाथ से निकल रही है। और जो चीज़ मुझे बहुत दुखी करती है वो ये है कि हमारे यहाँ आज भी हम वही सॉल्यूशंस कह रहे हैं जो पुराने और आउटडेटेड हैं। उन सॉल्यूशंस को आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। अपनी बात को समझाने के लिए मैं आपको पहला एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने अक्सरियत में इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स के मुँह से एक बात सुनी होगी कि तालीम यानी एजुकेशन हमारा सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। जैसे ही आप तालीम यानी एजुकेशन कहते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल ये आ जाता है कि कौन सी तालीम, कौन सा एजुकेशन? वो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बैट वाला जो हम अपने बच्चों को अभी भी दे रहे हैं, या इस नए ज़माने में जहां मशीनें सोच रही हैं और इंसानों से अच्छा सोच रही हैं। जब मैं यहाँ लेट हो रहा था तो गूगल मुझे एग्जैक्ट टाइम बता रहा था कि तुम कितने बजे पहुँचोगे, और वो मुझे कह रहा था 6:23 पे आप पहुँचोगे। 6:27 अभी हो रहे हैं। 6:23 को मैं नज़रअंदाज करके नदीम भाई का जितनी बार फ़ोन उठाता उनसे कहता 6:10, 6:14 मैं वादे कर रहा था और वो गूगल मुझसे वादा कर रहा था। और अंत में ये हुआ कि गूगल का कैलकुलेशन सटीक निकला और मुर्तज़ा भाई ने चाहे जिस भी गली से गाड़ी डाली हो 6:23 को ही हम यहाँ पहुँचे। ऐसे ज़माने में जहाँ मशीनों की क्रिटिकल थिंकिंग, मशीनों का डेटा का एनालिसिस, मशीनों का कंक्लूज़न पर पहुँचना इंसानों से 100 गुना खूबसूरत हो चुका है, उस दौर में अगर किसी कौम को ये कहा जाए कि उरूज पर हम तब आएंगे जब एजुकेशन में अव्वल आएँ, तो ये कहाँ तक इंसाफ है? कौन सी एजुकेशन में हम अव्वल आएँ कि हम मशीनों को हरा सके? इसकी मिसाल मैं आपको दूँ 2021 के एक डेटा से। 2021 में सिर्फ दिल्ली में 16,230 बच्चे हैं, 16,230 बच्चे जिनके 97% से ऊपर आए हैं। और 16,230 बच्चे जो 97% से ऊपर ला चुके उनमें से कोई खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक बेहतरीन सबक हमें सिखाता है, जहाँ हर कोई वीआईपी हो दरअसल वहाँ कोई वीआईपी नहीं होता। तो जहाँ हर कोई टॉपर हो वहाँ दरअसल कोई टॉपर नहीं होता। इसीलिए दिल्ली में बाकी शहरों की तरह एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं हुआ जहाँ पर 16,000 बच्चों को शील्ड बांटी गई हो कि तुमने 97% से ऊपर लाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ने कैलकुलेट करके देखा होगा कि 16,000 शील्ड मतलब कितने लाख का खर्चा आएगा। उस 16,230 बच्चे से अगर आप एक बुनियादी सवाल पूछेंगे तो वो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, जिसका जवाब गूगल पर और विकिपीडिया पर फ्री है। और हम अपने कौम को क्या समझा रहे हैं? एजुकेशन हमारा सॉल्यूशन है। बिल्कुल सही बात है, पर जनरलाइज स्टेटमेंट है। और स्पेसिफिक बताइए कौन सी एजुकेशन। तो मैं एक मिसाल देता हूँ। एक 3,500 की मशीन है, अमेज़न पर मिलती है, दिवाली में लेंगे तो 2,700 की पड़ती है बोनंजा ऑफ़र में। उस मशीन को आप इंटरनेट से कनेक्ट करके उससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आप उससे पूछ सकते हैं कि गांधी जी कब पैदा हुए थे, तो बताती है 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी ने NCM कब लॉन्च किया, तो कहती है 1921 सर। CDM कब लॉन्च हुआ, तो वो कहती है सर 1931 सर। पहली पानीपत की लड़ाई, तो वो बताती है। दूसरी पानीपत की लड़ाई, तो वो बताती है। तीसरी पानीपत की लड़ाई, वो बताती है। अगली फ्लाइट भोपाल के लिए कब है, मैं जमात के इस मरकज़ तक कितने बजे पहुंचूंगा, सब बताती है।
और एग्जैक्ट बताती है, फ्री है, बिल्कुल डेटा आपका गैदर करके कैलकुलेट करके बैठी है। और उस मशीन से यूपीएससी को डर लगता है, तो यूपीएससी को लगता है कि कल कोई बहुत अमीर का बेटा कान में एक डिवाइस पहन कर आएगा और प्रीलिम्स के सवालों को ज़ोर ज़ोर से पढ़ेगा और अलेक्सा कान में सुनकर उसका जवाब दे देगी। तो वो ज़ोर से पढ़ेगा कि गांधी जी कब पैदा हुए थे, मैंने याद किया था गांधी जी कब पैदा हुए थे, अलेक्सा कान में कह देगी 2 अक्टूबर 1869 सर, और वो मार्क कर देगा। पहले पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी में सर, वो मार्क कर देगा। तीसरी पानीपत की लड़ाई मराठा और अफगान्स में सर, हाँ याद आया, वो मार्क कर देगा। तो यूपीएससी ऐसे सवाल पूछ ही नहीं रही, यूपीएससी अब ऐसे सवाल पूछ रही हैं जिसका जवाब ना एलेक्सा के पास है ना विकिपीडिया के पास है। यूपीएससी पूछ रही है, आज गांधी जी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते। और वो पूछ रही है, यूपीएससी का क्वेश्चन सुनिए, मेंस का पहला क्वेश्चन, Why so many empire shaking battles were fought in पानीपत, तख्तों को पलट कर रख देने वाली इतनी लड़ाइयाँ पानीपत में ही क्यों हुई। एलेक्सा से पूछो, इतनी लड़ाइयाँ पानीपत में क्यों हुई एलेक्सा, तो वो खामोश हो जाती है। कहा, तुम्हें तो सब पता है, बताओ अगली फ्लाइट कब है भोपाल की। कहा, सवेरे 5:55 सर। मैं मरकज़ के जमात कब पहुँचूँगा। 7:23 पर, एग्जैक्टली 6:23 पर सर। अच्छा, इतनी लड़ाइयाँ पानीपत में ही क्यों हुई। एलेक्सा खामोश है। गांधी जी आप जिंदा होते तो क्या कर रहे होते। एलेक्सा खामोश है। क्या गांधी जी के विचारों को आज भी लगाया जा सकता है। एलेक्सा खामोश है। क्यों, आप अपने स्कूल में बच्चों को उसके लिए ट्रेन कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें पैदा ही नहीं किया रब ने। आप उन्हें इन्फॉर्मेशन रटने के लिए खूब सारे किताबों को अपने दिमाग में जमा करके एग्ज़ाम के दिन उल्टी करने के लिए जब पढ़ा रहे हैं, जबकि दुनिया बदल गई है। आप जो भी उनको रटा रहे हैं उससे अच्छा रटा हुआ एलेक्सा, विकिपीडिया और गूगल को पता है। जिस एक हदीस को लेने के लिए इमाम बुखारी को 9 दिन का सफ़र करना पड़ता था, 9 माइक्रोसेकेंड में ऐसी 3 लाख हदीसें गूगल डिस्प्ले करता है। जिस एक आयत को निकालने के लिए आपको पन्ने पलटने में 90 सेकेंड लगेंगे, 0.9 माइक्रोसेकेंड में गूगल उसके 4.5 लाख सर्चेस हर अकाइद से, हर किताब से, हर मुफस्सिर से आपके सामने लाके रख देता है। कौमें जवाल में जाती हैं जब वो आउटडेटेड पढ़ाइयाँ करती हैं। कौमें उरूज पर आती हैं जब वो फ्यूचर को देखकर तैयारियाँ करती हैं। हमारे सामने पहला सवाल ये है कि जो हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पीछे 8 साल से सरकार ने बड़ी मेहनत की है कि मुसलमान पढ़ने लगे, उन्होंने अपना काम बखूबी किया है, उस वजह से मुसलमान इंस्पायर हो गया पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें रोने वाली बात यह है कि वो पढ़ने कहाँ जा रहा है। वो वहाँ नहीं जा रहा जहाँ आने वाले ज़माने पर कब्ज़ा करने वाली कौमें पढ़ रही हैं। तो आने वाले ज़माने पे कब्ज़ा करने वाली वो कौमें कौन सी हैं। उसमें से एक फेवरेट हैं, हम उनके फेवरेट हैं, वो हमारे फेवरेट हैं, हम उन्हें ज्यूस कहते हैं। वो हमारे ही लिए ज़िंदा है और हमारे सिवा उनको कुछ नहीं दिखता। तो उन ज्यूस की यूनिवर्सिटी का एक आपको बहुत अच्छा बताऊँ जिससे आपको समझ में आए कौन सी कौमें उरूज पर जाती हैं। ज्यूस की यूनिवर्सिटी में टेल अवीव यूनिवर्सिटी है उनकी, वहाँ डिग्री देने का एक बड़ा अच्छा मैकेनिज़म है। जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो वो आपको डिग्री नहीं देते, कहते हैं जाओ पहले एक बिज़नेस खोलो, बिज़नेस खोल के $10,00,000 यानी $1,000,000 अपने अकाउंट में दिखाना, उस दिन डिग्री देंगे। तो वहाँ पर लोग पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बाद बिज़नेस खोलते हैं इंटर्नशिप के नाम पर, और फिर $1,000,000 के बाद जब वो डिग्री वापस लेने आते हैं 40-45 की उम्र में, तो बड़ा फंक्शन करके उन्हें वो डिग्री दी जाती है। वो डिग्रियां कौन सी हैं और वो बिजनेसेस कौन से हैं, इसको समझने के लिए आपको सीधा टेल अवीव से हमारे कन्नौज आना पड़ेगा। पीछे मुझे कन्नौज के एक मदरसे में बुलाया गया, हुजूर आफाक अहमद साहब मौजूदगी रहमतुल्ला अलैह, वो नहीं रहे इस दुनिया में, उनका वो मदरसा था, 1100 बच्चे पढ़ते थे।
हज़रत के ज़माने में 2000 बच्चे पढ़ते थे, अब 1100 रह गए। मैंने पूछा इतनी बड़ी गिरावट कैसे आई, तो उन्होंने कहा कि समीर भाई इसका जवाब ना कन्नौज के इत्र बनाने वाले आपको देंगे। तो कन्नौज के इत्र बनाने वाले जब मुझसे मिलने आए तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या बात हो गई इस मदरसे की, तो बड़ी रौनक थी, 2000 बच्चे यहाँ पढ़ते थे, उसमें से 1000 से 1100 तो बच्चियाँ ही थी, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा ये इत्र का जो बिज़नेस था हमारा पुश्तैनी कारोबार, उसमें से 10 रुपये में से 7 रुपया जो है वो हमारे हाथ में नहीं रहा, 7 से 8 रुपया जो है वो किसी और के हाथ में चले गया, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा यार इत्र तो वो चीज़ है ना जो मुसलमान ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कहा हाँ। कहा पूरे गल्फ़ के बड़े बड़े शेख जिसके दीवाने हैं वहीं एक्सपोर्ट होता है। कहा हाँ वही होता है। कहा तुम नहीं एक्सपोर्ट कर पाते? कहा नहीं कर पाते। कहा क्यों? कहा वो नए ज़माने के नए तकाजे हैं जिसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, हमें वो नहीं आती, इसलिए 10 रुपये में से 7 रुपये का बिज़नेस जा चुका। कहा किसके हाथ में? कहा जिसके भी हाथ में गया। कहा गया किस वजह से? कहा इसलिए कि हमारा बच्चा कभी वो वाली पढ़ाई करने नहीं गया जो टेल अवीव में पढ़ाते हैं, तो हमें ऑनलाइन कुछ बेचना आता ही नहीं है। तो कहा ऑनलाइन बेचना किसे कहते हैं? तो उसके लिए फिर आपको गूगल पे आना पड़ेगा और आपको एक लाइन टाइप करनी पड़ेगी। आपने कारून का ख़जाना सुना है ना, और फुट नोट में लिखा होता है हमारी तफसीरों के, कुरान की तफसीर में जब मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आता है तो फुट नोट पे कारून का ख़जाना लिखा होता है, ऐसे ही है ना। मैं आपको एक ख़जाना दिखाता हूँ। अमेज़न ने लॉकडाउन के ज़माने में, जो 2 साल लॉकडाउन लगा था, 1 सेकेंड में कितना कमाया होगा? 1 सेकेंड में अमेज़न जब लॉकडाउन लगा था तो अमेज़न ने 1 सेकेंड में पर सेकेंड $11,633 कमाए। अमेज़न सुई भी नहीं बनाता, $11,633 बनाने वालों से लेकर बेचने वालों के बीच में उसने बनाए। आपको सिर्फ गूगल पर लिखना है अमेज़न रिप्ड हाउ मच ड्यूरिंग लॉकडाउन, आपके सामने ये आंकड़ा आ जाएगा। पर कन्नौज में लौट के देखिए कि दीन भी अगर बचाना हो तो उसका सबसे बड़ा तकाजा ये है कि कारोबारों को बचाना होगा। जो उलमा खड़े होकर हमें ये बताते थे कि दीन की बका मदरसों से है, वो सेंटेंस सही तो कहते थे पर पूरा नहीं कहते थे। दीन की बका, इस्लाम की बका मदरसों से है, पर मदरसों की बका वो लोगों के कारोबारों से है, और लोगों के कारोबार की बका उनके बच्चों के पढ़ने से है। और कौन सी पढ़ाई पढ़ने से है? ये ए फॉर एप्पल और बी फॉर बैट वाली नहीं, वो वाली जो फ्यूचर में किसी चीज़ को जो दुनिया लेने जा रही है, क्या आज आप उसे जानते हैं? सवाल ये है। जिस कौम के पास इसका जवाब पॉजिटिव में है वो उरूज पर है, जिस कौम के पास इसका जवाब नेगेटिव में है वो नीचे है। सेकंड, मेरे ख्याल से टाइम जल्दी जल्दी ख़त्म कर देता हूँ, मैं लेट हो गया। सेकंड, क्या किसी कौम के पास टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर है? पूछा टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर क्या होती है? का वो ही टेक्नोलॉजी जिसके बिना दुनिया ना रह पाए। का मिसाल दे दो एक दो। तो कहा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या अल्गोरिदम्स हो, और सारी दुनिया पे अल्गोरिदम्स का कब्ज़ा हो गया है। अगर हमारे मदरसे से निकलने वाले उलमा हजरात नए ज़माने के हिसाब से तकरीर जुमा में नहीं करेंगे तो एक ऐसे 5G आ गया है जो बाप और माँ की नाक के नीचे वो गुल खिला रहा है जिसको आप किसी न किसी व्हाट्सएप में जगह पाते देख लेंगे। हम व्हाट्सएप में करते भी क्या हैं? एक बेबसी भरा मैसेज जो हमारे पास आता है, हम इस उम्मीद में कि कोई देख ले सारे ग्रुप्स में डाल देते हैं। लेकिन इसको आपको YouTube पे एक डॉक्यूमेंट्री में देखना चाहिए, उसमें वो बड़ी अच्छी चीज़ बताते हैं। वो कहते हैं कि किसी IT सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती नफ़रत फैलाने में या डर फैलाने में। नफ़रत और डर सिर्फ एक बार इंटरनेट की रगों में डाला जाता है, और वो कौमें जो डरी हुई हैं वो उसे इतना फैलाती है कि अगले 20 से 29 मिनट में वो वायरल हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है कि कौन सी कौमें हैं जो उन्हें फॉरवर्ड करती हैं? तो जवाब है डरी हुई कौमें। तो पूछा कि कौन सी कौमें डरी हुई होती हैं?
तो जवाब इसका बड़ा खूबसूरत है, कौमें वो डरी हुई होती हैं जिनका कोई फ्यूचर गोल नहीं होता, जिनके सामने कोई पॉजिटिव माइंडसेट या हमें कुछ अचीव करना है वो नहीं होता, तो उस कौम को अपने जीनोसाइड का डर पूरे वक्त सताते रहता है। जिन कौमों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। इन अल्गोरिदम्स ने क्या किया है, तो यहाँ से आपको एक बात समझनी होगी जो मैं कब से चाहता था कि JIH समझे, क्योंकि मैं JIH का दरवाज़ा कई बार खटखटा चुका हूँ, यहाँ नहीं हमारी शहर की JIH में, लेकिन वो नहीं समझ पाए। देखिए अल्गोरिदम, इसका अल जो आया है ना, वो आया है एक मुस्लिम साइंटिस्ट से। पहली बार अल्गोरिदम बनाया गया था, एक सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स थे, लेकिन अब वो अल्गोरिदम लास्ट स्टेज पे पहुंच गया है। कैसी स्टेज है ध्यान से सुनना। अब अल्गोरिदम किसी से इंफॉर्मेशन या डेटा नहीं लेता, बल्कि अपना डेटा खुद इकट्ठा करता है। वो पूरे वक्त आप पर नज़र रखता है, आप किस रोड से जमात के मरकज़ तक पहुँचे और यहाँ कितनी देर खड़ी रह के आपने स्पीच की, ये सब बातें उसे पता है। अल्गोरिदम ने, अगर हम यूट्यूब के पास जाएंगे तो मेरे नाम से खुद बिना किसी इंसान की मदद से मेरे नाम से उसने एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स बनाया है जिसमें रोज़ और कॉलम्स हैं, और इन रोज़ और कॉलम्स में टाइम लिखा हुआ है और मेरा नाम लिखा हुआ है। मैं कितने बजे कौन सा वीडियो देखना पसंद करता हूँ, उन वीडियोस को सजाकर अगले दिन मुझे वो रिलेटेड वीडियोस सजेस्ट करता है। लेकिन इतनी बात बताने में इतनी दूर नहीं आया हूँ, जो इसके आगे वो आपका होश उड़ा देगा। वो मुझे एक ही वीडियो रोज़ सजेस्ट नहीं करता। अगर मैं रोज़ यहाँ आकर एक ही तकरीर करूँ तो आप दो दिन के बाद मुझे बुलाएंगे भी नहीं। वो हर बार एक ऐसा वीडियो सजेस्ट करता है जो पिछले वीडियो से एक चरस ऊपर हो, या इंटेलेक्चुअल डेप्थ उसकी पिछली बार से एक ज़्यादा हो। यानी उस जॉनरे में, उस सब्जेक्ट में आप जितने वीडियोस देखते चले जाएंगे, आपका वो टूटा फूटा अकीदा और पुख्ता होता चला जाएगा। और वो कौन से वीडियोस चरस की तरह सजा कर रखता है डिपेंड करता है, उसे वीडियो बनाना नहीं आता, वो आपके वीडियो बनाने का इंतज़ार करता है। और जब आप उसे वीडियो देते हैं तो वो उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करके बाकी लोगों के लिए रखता है। यानी अगर आप ये मान लें कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे महान इंसान हैं, तो हर सजेस्टेड वीडियो एक के बाद एक आपको ये बात मनवा ही देगा कि सच में हमारे प्रधानमंत्री जैसा कोई और दुनिया में ना पैदा हुआ ना होगा। और अगर आप मान लें कि विपक्ष सबसे बड़ा बेवकूफ़ और उल्लू है, तो फिर वहाँ से डाउनस्लाइड हो जाता है और हिलेरी क्लिंटन को या राहुल गांधी को वो लास्ट तक आपको एक ऐसी चरस से दिखा के मनवा ही देगा कि इनसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ। ये अल्गोरिदम्स इनोसेंट हैं, बेगुनाह हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं सिवाय इसके कि इन्हें वीडियो किस तरह के दिए जाते हैं। और वीडियो देने वाली कौमों का नज़र पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वीडियो देने वाली कौमों के नज़र को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को ये पढ़ लेता है और उस पॉइंट ऑफ व्यू की कैटेगरी को वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिसीडेंस में सजा कर रखता है। आपका एक बहुत बड़ा कसूर ये है कि आप इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझते और आप इसके जवाब में मोहब्बत भरे वीडियोस उतनी बड़ी तादाद में अपलोड नहीं कर रहे, तो उसके पास जो वीडियोस हैं वो वही हैं जो आपके खिलाफ है। और आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आपकी ये कमियों को पकड़ लिया है और आपके उस पास्ट को डार्क पास्ट बनाकर वो लगातार दिखाते रहती हैं। यानी अगर आप किसी एक चीज़ का आंसर देकर अभी उभरे ही थे कि कोई और चीज़ का एक तूफान आपके ऊपर आ जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्कॉलरली इंटेलेक्चुअल बहुत डीप नॉलेज वाले, क्योंकि इल्ज़ाम लगाने के लिए डीप नॉलेज नहीं चाहिए पर जवाब देने के लिए बहुत डीप नॉलेज चाहिए।
तो बहुत डीप नॉलेज वाले इंटेलेक्चुअल वीडियोस को आपको बड़ी तादाद में अपलोड करना पड़ेगा। सवाल ये है, और बुरा मत मानना, मैंने अपने रब से वादा किया है कि मैं कड़वा और सच बोलूँगा। सवाल यह है कि टिकटॉक पे नाचने वाली ये कौम और रील बनाने वाली ये कौम इंटेलेक्चुअल और बहुत डेप्थ वाले वीडियो कहाँ से लाए? ये आपका बहुत बड़ा कसूर है, जिसकी वजह से हर सेकेंड हर मिनट आपको उस कदर बदनाम किया जा रहा है कि आपके साथ जो भी हो दुनिया में कोई सिंपैथी अब नहीं रखता। आने वाली टेक्नोलॉजीज़ को और उनके काम करने के तरीके को जो कौमें समझती हैं, उनका जवाब अगर पॉजिटिव में है तो वो उरूज पे जाती हैं, उनका जवाब अगर निगेटिव में है तो वो नीचे जाती हैं। इसका एक तरीका और है जो मैं चाहता था कि एक ऐसे कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मिले जिसको मैं ये समझा सकूं। आपको इसको समझने के लिए बिजनेस करने के तीसरे नियम पे आना होगा। amazon.com जिसने आपके देखने में मैंने अभी दिखाया $11,633 पर सेकेंड कमाया है, वो भी एक अल्गोरिदम है, वो भी चीज़ों को बेचता है। कोई भी चीज़ वो बनाता नहीं है, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत चीज़ करता है। पता है क्या? अल्गोरिदम है, बेगुनाह है, इनोसेंट है। इनोसेंट नहीं है, लेकिन उसे ख़राब कैसे किया गया मैं दिखाता हूँ। चाइनीज़ लोगों ने ये बात समझ ली कि अगर हमें अमेज़न पे सिर्फ अपना सामान बेचना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो पूछा क्या करना पड़ेगा? कहा अमेरिकन कंपनी से कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो पूछा अमेरिकन कंपनी से कॉम्पीट कैसे होता है? तो कहा अमेज़न पे अच्छी क्वालिटी का माल अमेरिका बेचता है और हमारी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन क्वालिटी से फ़र्क नहीं पड़ता। पूछा क्या किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है? तो देखिए चाइनीज़ ने क्या किया, वो किसी भी अमेरिकन कंपनी के सामान को अमेज़न पर जब वो लिस्ट होता है, ऊपर लिस्ट होता है, 5,00,000 डिसलाइक करते हैं। कितने? 5,00,000 डिसलाइक। और अपने घटिया सामान को 5,00,000 लाइक करते हैं। कितने? 5,00,000 लाइक। वो अल्गोरिदम है, उसकी समझ में सिर्फ लाइक और डिसलाइक आता है। और उसके पास एक कमांड है। क्या कमांड है? उसके पास एक कमांड है कि जिसको भी लाइक ज़्यादा किया जाए उसे उठाकर ऊपर कर दो, और जिसे भी डिसलाइक किया जाए उसे उठाकर नीचे कर दो। और जितनी बार कोई चीज़ नीचे होती है उसका क्या होता है, उस बात को मैं इस चुटकुले से समझाना चाहता हूँ। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, डेड बॉडी छुपाने का, मजाकिया तौर पे अगर कोई पूछे कि डेड बॉडी छुपाने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो इसका जवाब बड़ा शानदार है, डेड बॉडी छुपाने की सबसे अच्छी जगह गूगल सेकेंड पेज है, क्योंकि गूगल के सेकेंड पेज पर कभी कोई जाता ही नहीं है। वो कहाँ जाते हैं? हमेशा गूगल के फर्स्ट पेज पे। जो कौमें इन सर्वर्स, इन अल्गोरिदम्स और इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम करने के तरीके को समझकर, मार्केट्स के मैनिपुलेशन को समझकर उन पर राज करती हैं, उनके प्रोडक्ट्स को अमेज़न हमेशा फर्स्ट पेज पे दिखाता है। और जो कौमें सिर्फ इस बात को कोसती हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा, और जिन कौमों के बड़े उन्हें ये कहकर तसल्ली देते हैं कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, वो कौमें जवाल पर जाती हैं। क्यों? अल्लाह की तरफ से आजमाइश नहीं है, हमें थोड़ा सा समझना होगा, उठकर आँख खोलकर चीज़ों को देखना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम मिट जाएंगे। और वो जो शेर है, मैं दोहराना भी नहीं चाहता, हमारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। ये है वो उरूज और जवाल के नए तकाजे जो इस वक्त सारी दुनिया में राइज हैं, और आने वाले ज़माने की तैयारियां इन्हीं उरूज और जवाल के तकाजों से होती है। लेकिन मैं आपके चेहरे पे थोड़ी स्माइल लाना चाहता हूँ, बहुत देर से मायूसी की बहुत बातें हो गई। एक साइबर सिक्योरिटी होती है, ये भी टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर है, आपको सुनने लायक है। ये साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? तो आपने अग्निपथ स्कीम के बारे में सुना है, गवर्नमेंट की अग्निपथ स्कीम? हम में से हर किसी ने सुना है। क्यों? 7 बजे से 8 बजे, 8 बजे से 9 बजे और 9 बजे से 10 बजे तक उसके गुण गाए गए हैं। वो गुण क्यों गाए जाते हैं? हम तो टीवी नहीं देखते, टीवी नहीं देखते तो क्या हुआ, उसके सबसे अच्छे 40 सेकेंड काट कर आप ही के व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। वो कंटेंट बना रहे हैं, वो कंटेंट अगर आप टीवी बंद कर देंगे तो आपके व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा, आप समझ रहे हैं, और उसके वो 40 सेकंड भेजे जाएंगे जो सबसे असरदार होंगे।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया कि अग्निपथ स्कीम ले आई और 5 साल में हर किसी को रिटायर करने वाली है वो, उसकी जानकारी बहुत शानदार है जो आपको समझना चाहिए। आने वाले ज़माने में आर्मी नहीं लगेगी क्योंकि बॉर्डर पर आमने सामने की लड़ाइयाँ ही नहीं होंगी। तो पूछा आने वाले ज़माने में लड़ाइयाँ कहाँ होंगी, कहा वो साइबर स्पेस में होंगी। चाइना की गवर्नमेंट, मिसाल दे रहा हूँ, चाइना की गवर्नमेंट एक वायरस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रडार में छोड़ देगी। वो रडार जो हर 3 मिनट में एक फ्लाइट उतारता है और एक फ्लाइट को टेक ऑफ कराता है, अगर वो किसी वायरस की वजह से मैल फंक्शन करने लगे तो आसमानों में कितनी फ्लाइटें हैं जिनका पेट्रोल ख़त्म होने के कगार पर है और उन्हें उतारने के लिए निर्देश देने वाला कोई नहीं। एक पाइपलाइन आती है कांडला गुजरात से मथुरा रिफाइनरी तक, उसमें हमारे देश में लगने वाला ऑयल पाइपलाइन के ज़रिए आता है। उस पाइपलाइन में अगर ज़्यादा ऑयल पंप कर दिया जाए तो वो रप्चर हो जाएगी, रप्चर यानी फट जाएगी, और इसमें ज़्यादा पंप करने के लिए हमें किसी इंसान को नहीं भेजना, सिर्फ एक वायरस को भेजना है। जो वायरस उस कंप्यूटर को जो पंप करता है, सुपर कंप्यूटर, उसको सिर्फ इतना बता दे कि ज़ोर से प्रेशर मारो और वो फट जाएगी। तो इसमें पॉजिटिव बात कहाँ है? पॉजिटिव बात ये है कि दुनिया में एक देश है जिसने ये सारे हथकंडे सीख लिए और उसने एक राह दिखाई है जिस राह पे हमको चलना है। हम उन्हें भी पसंद नहीं करते लेकिन उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। उस देश ने क्या किया, दुनिया का एक नियम हमको समझाया कि अगर चेस में, शतरंज में महारत चाहते हो तो प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए? कोई जवाब बता सकता है? अगर चेस में आपको चैंपियन बनना है तो प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए? पियादों को आगे करके नहीं, चेस में अगर आपको चैंपियन बनना है तो उसका जवाब होता है अपने से अच्छा जिसका गेम है उसके साथ खेलना चाहिए। वो आपको शतरंज के सारे दांवपेच सिखा देता है, समझ गए? उस देश पर इतना हमला हुआ साइबर वारफेयर का, इतना हमला हुआ कि उसने साइबर वारफेयर की सबसे बड़ी साइबर डिफेंसिव टीम खड़ी की है। और अब वो क्या करता है, अपने देश पर आने वाले वायरस को ऐसे पकड़ के थोड़ा मॉडिफाई करके वापस जिसने भेजा था उसी के कंप्यूटर में भेज देता है और वो वहाँ जाके तहलका मचा देता है। उस कंपनी नहीं, उस कंट्री का नाम ईरान है। आज आप पूरे वर्ल्ड में साइबर वारफेयर की जिस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जाएंगे वहाँ पर कीनोट स्पीकर से लेकर चेयरमैन से लेकर उस कॉन्फ्रेंस के सबसे अच्छे जानकार सारे आपको ईरानी मिल जाते हैं। और जब ईरानियों से ये पूछा जाता है कि तुम्हें इतना अच्छा ट्रेन किसने किया, तो वो खुश होकर कहते हैं हमारे इजरायली भाइयों ने किया। तो आपको आने वाली उन टेक्नोलॉजीज़ को समझना होगा। भारत सरकार भी बिल्कुल इसके लिए रेडी है, उसे भी मालूम है कि अब हमले जो होंगे वो बॉर्डर्स पे नहीं होंगे, वो साइबर स्पेस में होंगे, साइबर के अंदर होंगे। इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट है कि आप यकीन नहीं मान सकते। साइबर स्पेस में मैं उस कौम को ये कैसे समझाऊँ जिस कौम का हर बच्चा सिर्फ नीट पास करना चाहता है, और उनकी गलती भी नहीं है। नीट पास करना वो इसलिए चाहता है क्योंकि उसने कोरोना के ज़माने में हर डॉक्टर को अमीर बनते देखा है, हर डॉक्टर के पास उसने 1 से 2 कार होते देखी है। लेकिन कौमें उरूज पर वो जाती हैं जो आने वाले कैरियर्स पे नज़र रखती है, कौमें जवाल पर वो जाती हैं जो पीछे पैसा कमाकर देखे हुए कैरियर्स पे नज़र रखती है। हमारी गलती ये है कि हम 5 साल नहीं 50 साल पीछे चलते हैं। और चाइना की या किसी भी दुनिया के देश की वो खास बात है कि वो आज से 70 साल बाद का डॉक्यूमेंट पब्लिश करते हैं। अपनी बात को समेटते हुए मैं आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रखना चाहता हूँ, अल्लाह करे वो आप समझ जाए, जिससे कौमों का उरूज और जवाल आपके दिल में बैठ जाए। देखिए, दुनिया में 2 ऐसी कौमें हैं जो सूरह अल इमरान के आयत नंबर 139 के लेकर 143 की गिरफ्त में आती हैं। पहले तो आयत नंबर 139 वो हम सब की फेवरेट आयत है और आजकल हम ज़्यादा तिलावत करते हैं, क्यों? उसमें अल्लाह ने वादा किया है कि न मायूस होना न हिम्मत हारना, ये तुम ही हो जो कामयाब हो जाओगे अगर सब कुछ ईमान के साथ सह गए। ऐसे ही है ना,
लेकिन उसके आगे की आयत बड़ी शानदार है। अल्लाह पाक कहता है अगर तुम्हें कोई ज़ख्म लगा है तो मुड़ कर देखो उन्हें भी सेम ज़ख्म लगा है। और ये उतार और चढ़ाव के दिन हैं जिसे अल्लाह कौमों के दरमियान फिराता है ताकि असली ईमान वालों की शिनाख्त हो सके। आज अगर तुम जवाल पर हो तो पीछे कोई था जिस पे जवाल था, जो ज़ख्म तुम्हें आज लगा है वो ज़ख्म उन्हें लग चुका। उन्होंने ऐसा क्या किया और हमें ऐसा क्या करना चाहिए, इन दोनों के बीच में बात को समझने पर ही इस तकरीर और यहाँ खड़े होने का सारा रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपके मुश्किल से 5 मिनट और लूँगा, ठीक है, कोई बात तो नहीं है। आज आपको किस बात का सबसे बड़ा खतरा है, आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आपके व्हाट्सएप में वो मिल जाएगा। जो सबसे बड़ा खतरा आज आपको है, ऐसी दो कौमें हैं पीछे जिन पर जीनोसाइड आया था, एक का नाम चाइना है और एक का नाम इज़राइल है। चाइना पे जीनोसाइड लाने वाली कौम का नाम था जापान। जापान इतना छोटा है, चाइना इतना बड़ा है, लेकिन जापान ने चाइना पर इस कदर कहर ढाया क्योंकि वो चंगेज़ खान को कॉपी कर रहे थे। चंगेज़ खान क्या करते थे, इस कदर जुल्म ढाते थे कि वो पीछे पीछे चलते थे, उनके कहर के किस्से आगे आगे चलते थे। जापान ने चाइना पर इस कदर कहर ढाया कि चाइनीज़ डिमोरलाइज होकर जब जापान की आर्मी आती तो बिना लड़े डर कर ही सरेंडर कर देते थे। ये पहली कौम है जिसके साथ ये हुआ। आज उस कौम का क्या हाल है चाइना का, चाइना हर 37 दिन में इतना कमाता है कि वो एक ग्रीस को खरीद सकता है। हर 37 दिन में वो एक ग्रीस को खरीद सकता है, उसकी आमदनी इतनी है। कैसे हुई, उन्होंने 1990s में देखा कि 2010 और 2020s में पूरी दुनिया में चीप मार्केट में, प्राइस सेंसिटिव मार्केट में लोग वो चीज़ खरीदना चाहेंगे जो सिर्फ अमीरों के पास है। तो अगर कोई देश अमीरों की इन खूबसूरत चीज़ों का सस्ता कॉपी बेच दे तो वो सारी दुनिया पर राज करेगा। उन्होंने ऐसा राज किया कि इस सदी में अमेरिका का सूरज डूब चुका और चाइना का सूरज बस निकलने वाला है। पर एक कौम और है जो आपकी फेवरेट है, वो आपको ज़िंदा रखती है, आप में हरारत रखती है। उन कौमों के बालों को कटवा कर कारपेट बनाए गए, 67,000 कारपेट दुनिया में ऐसे हैं जो उस कौम के बालों से बनाए गए। हम उस कौम को इज़राइल कहते हैं, लेकिन इज़राइल ने कुछ ऐसा हंगामा कर दिया कि आज जो उसके बेस्ट दुश्मन है वो रेड कारपेट बिछा कर उनको वेलकम कर रहे हैं। कतर, कुवैत, ओमान, इन तीनों ने और सऊदी अरब ने इज़राइल को वीज़ा ऑन अराइवल, आपने सुना होगा, सिटीज़नशिप ऑन अराइवल दे दिया है। लेकिन हद तो तब है जब उनके पास कुछ ऐसा है जो हर किसी को चाहिए। लेटेस्ट कंट्री इस लिस्ट में सिटीज़नशिप ऑन अराइवल इज़राइल को देने वाली टर्की है। टर्की ने भी अपने दरवाजे इज़राइल के लिए खोल दिए क्योंकि उनके पास कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो रेत में खाना उगा सकती हैं, जो सूखे में खजूर के दरख्त लगा सकती हैं। ऐसा अल्लाह का एक वली जो PhD हो एग्रीकल्चर में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से मनमोहन सिंह साहब ने वहाँ 45 सीट लाई थी, उसमें से 27 सीट उन्होंने अफगानिस्तान के लिए रिजर्व रखी थी। आप सोच सकते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने फ्यूचर के सूखा इरिगेटेड एग्रीकल्चर की 27 सीटें अफगानिस्तान के लिए यहाँ रिजर्व रखी थी। तो मनमोहन सिंह साहब से पूछा गया कि साहब ये क्या कर रहे हो, आप 27 सीट उनको ही दे रहे हो? तो मनमोहन सिंह ने कहा, आप नहीं जानते, सूखे में सिर्फ ओपियम ग्रो होता है और उस ओपियम से होने वाली ब्लैक कमाई से सारा टेररिज्म फंड होता है। क्यों ना हम उन्हें सूखे में खाने लायक एग्रीकल्चर करना सिखा दें ताकि वो डाइवर्ट हो जाए ओपियम से वीट और राइस की तरफ, ताकि उनका देश भी भरा पूरा हो जाए और ये पैसा जो ओपियम से आता है वो ख़त्म हो जाए। आपको पता है, आज आपको पता है ना ये बात कि अफ़गानिस्तान का इस वक्त हाल क्या है? अफ़गानिस्तान का इस वक्त हाल क्या आपको पता है ना? नहीं पता है। वहाँ के वीडियोस को लाकर उन वलीमों में चलाना चाहिए जहाँ पर खाने को लोग कचरे के डब्बों में फेंक रहे हैं। अफ़गानिस्तान एक टाइम भूखा सो रहा है और वहाँ पे कुछ इलाकों में जहाँ सूखा बहुत ज़्यादा है, ये रिपोर्ट्स हैं ग्राउंड पर,
कि बच्चों को नींद नहीं आ रही तो उसी ओपियम को पानी में घोलकर पिलाया जा रहा है ताकि वो सो सके। आप कहेंगे सर ये उनको बदनाम करने की न्यूज़ है, मैं मान जाता हूँ, तो फिर सोमालिया के लिए आप क्या जवाब देंगे? आप समझ रहे हैं? तो मेरी बात सुनिए और इस बात को यहाँ ख़त्म करते हैं। इसराइल और चाइना ने कुछ ऐसा किया जो अल्लाह के रसूल के मानने वालों को भी अपने देश के लिए करना होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप से। इसराइलियों ने जो किया, चाइनीज़ ने जो किया, पहले वो सुन लीजिए। प्लेन एंड सिंपल उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीन चीज़ों को पकड़कर सारी दुनिया पे राज किया। पहला, एजुकेशन ऑफ द फ्यूचर, आने वाले ज़माने के एतबार से पढ़ाई की। हज़रत अली का वो कॉल है, आपको नहजतुल बलागा में मिल जाएगा। हज़रत अली फरमाते हैं कि तुम अपने बच्चे को जब पढ़ाना तो आने वाले ज़माने के एतबार से पढ़ाना, अपने ज़माने के एतबार से मत पढ़ाना, क्योंकि तुम्हारा ज़माना कुछ और था, उसका ज़माना कुछ और होगा। उन्होंने एजुकेशन ऑफ द फ्यूचर पे मेहनत की, अपने बच्चों को सोचना सिखाया, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई। उन्होंने चींटी को CBSE की किताबों में चींटी पढ़ा, छपी हुई चींटी नहीं पढ़ाया, उन्होंने चींटियों के बिल में ले जाके चींटी दिखाई और उन्होंने पानी के H2O को अलग करके वहाँ समझाया कि देखो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। उन्होंने सूरज की रोशनी को सच में कांच में से गुजार कर पेपर जलाते हुए दिखाया। तो सऊदी अरब ने आज उनसे एक मशीन खरीदी है जो समुंदर के पानी को कांच की पाइपलाइन में से लेके जाता है और दोनों तरफ लगे हुए आईने सूरज की रोशनी को इतना कॉन्सेंट्रेट करते कि वो पानी भाप बनकर पीने लायक हो जाता है। आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मत बोलिए आज से, पढ़े हुए पर सोचने के लिए बोलिए। अगर वो पढ़े हुए पर सोचना सीख लेंगे, वो एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख लेंगे, तो जो मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आप ढूंढ रहे हैं ना, वहीं से पैदा होंगे। रटी हुई एजुकेशन से कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरा, इन दोनों देशों ने एक चीज़ करी, आने वाले ज़माने के टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से आज तैयारियां की। काश मेरे हाथ में एक पावर होता तो मैं जमात इस्लामी की सारी स्कूलों पर और हम बरेलवी मरकज़ से चल रही सारी स्कूलों पर और वहावी मरकज़ से चल रही सारी स्कूलों को स्टैचू बोल देता, वो वहीं रुक जाते, तो मैं उनका सिलेबस जला देता और उन्हें वो सिलेबस देता जो सिलेबस टेलवीव या बीजिंग या शंघाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर बच्चों को सोचना मशीनों से अच्छा सिखाया जा रहा है। एजुकेशन ऑफ द फ्यूचर के बाद सेकेंड चीज़ जो इन दोनों के पास है वो ये है, एंटरप्रेन्योरशिप। चीज़ पुरानी है, ज़माने को चाहिए, पर बेचने का तरीका बिल्कुल नया होना चाहिए। बहुत सारे मुस्लिम मोहल्ले में आपने पढ़ा होगा एक बोर्ड है, हमने एक ही नाम मिला चश्मे का, उसे हम कहते हैं नूरी चश्मा घर। नूरी चश्मा घर में जब आप जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, वहाँ जो साहब बैठे हुए हैं वो 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं और पूरे दिन खाली दुकान में बैठे रहते हैं। क्यों? नूरी चश्मा घर के उस इंसान को भी अगर चश्मा चाहिए तो वह लेंस कार्ट से चश्मा मंगाता है। लेंस कार्ट पे किसी चश्मा क्यों मंगाता है, क्योंकि वहाँ एक चश्मे पे एक चश्मा फ्री है और उसको ख़रीदना कितना आसान है। आप अपने आप को सेल्फ़ी के कैमरे में देखिए और उंगलियों से फ्रेम को सरकाते जाइए जब तक आपको सबसे अच्छा फ्रेम ना मिल जाए, और जैसी फ्रेम सबसे अच्छा मिले क्लिक कर दीजिए, आपको वो चश्मा 24 घंटे में डिलीवर हो जाएगा। आपको अपने पुराने सामान को बेचने के नए तरीकों को पैदा करना होगा, वरना आपके कारोबार ध्वस्त होने की कगार पर हैं, मतलब आपके मदरसे ख़त्म होने की कगार पर है। और सेंट्रल एशिया से जाकर पूछिए और USSR से जाकर पूछिए, जहां मदरसे ख़त्म वहां दीन ख़त्म, जहां मदरसे ख़त्म वहां दीन ख़त्म। और तीसरी और नायाब चीज़ जो उनके पास है, जो आपके पास नहीं है और जो आपको पैदा करनी होगी, वो है अथॉरिटी वाली पोस्ट। आपके पास अथॉरिटी वाली पोस्ट सिर्फ एक है, IAS, IPS, IRS, IFOS। इसराइल के पास कुछ और है। इसराइल के पास क्या है, सुनिए, दुनिया में फॉर्चून 500 कंपनीज हैं, 500 ऐसी कंपनियां हैं जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उसमें से 499 के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इसराइल में। आपने सुना नहीं,
आपको रात को गूगल करना पड़ेगा नींद आने से पहले, 500 R&D सेंटर्स में से 499 R&D सेंटर दुनिया के प्रथम फॉर्च्यून 500 कंपनियों के R&D सेंटर्स कहाँ पर है? कहाँ पर है? इसराइल में है, और वो स्ट्रेटेजिक पोस्ट्स पर बैठे हैं, अथॉरिटी वाली पोस्ट पर बैठे हैं। पूछा अथॉरिटी वाली पोस्ट क्या होती है? गूगल में वो उन जगहों पर बैठे हैं जहाँ पर वो स्वीडन इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट रिलीज़ नहीं होने देते। स्वीडन इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट निकाली है, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 23,600 बच्चे पैलेस्टीन के 9 साल से 13 साल की उम्र के, उन्हें इतना मारा गया है कि उनकी हड्डियाँ टूट गई हैं। इस रिपोर्ट को आप सारे गूगल से निकाल कर नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि चॉइसेस आपके हाथ में हैं। आपके हाथ में वही चॉइसेस हैं जो चॉइसेस वो दिखाना चाहे, क्योंकि उन्होंने उस दिन के लिए मेहनत की, बुराई ने, मक्कारी ने मेहनत की, और आज वो वहाँ चढ़ कर बैठ गई जहाँ चढ़ कर बैठी है। और सच्चाई और अच्छाई के साथ बहुत दिनों से कुछ हो रहा है, पर उसे डायरेक्शन दिखाने वाला कोई नहीं, इसलिए वो उन्हीं रास्तों में मेहनत कर रही है जिन रास्तों से अब कोई सॉल्यूशन आने वाला नहीं है। अपनी बात को ख़त्म करने के लिए मुझे लगा एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे ही बता देता हूं। आजकल ब्राज़ील के खूबसूरत राष्ट्रपति आए हैं, उनका नाम है बोल्सोनारो। कितने ईमानदार हैं इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि उनका पूरा इलेक्शन फ़ंड इसराइल ने फ़ंड किया था, सारा पैसा चुनाव लड़ने का इसराइल ने दिया था। फार राइट से वो चुनकर आए हैं, राइट विंग आप जानते हैं क्या होता है। आते ही उन्होंने क्या किया, अमेज़न के बड़े बड़े जंगलों को कटवा दिया, और बड़े बड़े जंगलों को कटवा कर वो जगहें बना रहे हैं जहां दुनिया से इन्वेस्टमेंट मंगवाना चाहते हैं। सारी दुनिया के ऑक्सीजन के लंग्स अमेज़न के जंगल है। हम जितना प्रदूषण फैलाते हैं उसका 1/3 से ज़्यादा अमेज़न के जंगल अपने आप में जज्ब कर लेते हैं और हमें अच्छी हवा देते हैं। लेकिन वहाँ एक उम्मीद की किरण है जो इस अल्लाह के रसूल को मानने वाली कौम को सुनना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उन्होंने उन जंगलों को काटना शुरू किया, और ऐसे डेंस जंगल हैं, ऐसे डेंस जंगल हैं कि सूरज की शुआएं ज़मीन तक नहीं पहुँचती, सूरज की शुआएं ज़मीन तक नहीं पहुँचती। और अमेज़न के जंगलों की और एक खूबसूरत बात है, वहाँ मिलने वाले पेड़ में 67% पेड़ फलों से लदे होते हैं जिन्हें इंसान खाए तो वो तवानाई पाए जो दुनिया में किसी को नहीं मिलती। यानी वो सिर्फ फॉरेस्ट नहीं है, बल्कि ऐसे फॉरेस्ट हैं जहाँ पर वो फ्रूट्स मिलते हैं जो इंसानियत को चाहिए। लेकिन आज जब उन पेड़ों को काटा जा रहा है तो नीचे कुछ निकल कर आया है, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी, अब पहुँच रही है तो कुछ दिख रहा है, और ड्रोन व्यू में ये बहुत अच्छा दिख रहा है। तो आप सुनिए वहाँ क्या मिल रहा है। अमेज़न के जंगल काटने के बाद उसके नीचे शहरों के निशान मिल रहे हैं, बस्तियों के निशान मिल रहे हैं, मार्केट्स के निशान मिल रहे हैं। इसका मतलब उन जंगलों के लगाने से पहले वहाँ घनी आबादी रहती थी। जिस घनी आबादी ने इस बात को समझा कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, और उन्होंने वो जंगल उगाया, और उन्होंने किस चीज़ का वो जंगल उगाया, फलदार, तवानाईदार, ताकतवर पेड़ों को लगाया, जिस पेड़ों को चख कर ब्राज़ील सारी दुनिया में दवा बनाने वाली कंपनियों को जड़ी बूटी और फल एक्सपोर्ट करता रहा। सवाल बस हमारे सामने ये है कि आज ओखला में भी, जामिया नगर में भी, और बहुत सारी मुसलमान बस्तियों में भी आबादियों के निशान हैं, और हमारे पास वो रेत है जिसमें कुछ नहीं उगता। क्या हम आज वो फलदार पेड़ लगाएंगे कि आने वाले जंगल इतने फलदार हों कि आने वाली नस्लें हमें दुआएं दें? इन बातों को, इन तकाज़ों को समझिए। आप इसमें आगे जाएंगे तो आपका देश इसमें आगे जाएगा, और देश का जब सबसे कीमती एसेट आप बनेंगे तो आपके साथ भी वही होगा जो उनके साथ होता है। पूछा उनके साथ क्या होता है, उनके खिलाफ कोई न्यूज़ दिखाई नहीं दी जाती, ना सोशल मीडिया पर, ना गूगल पर, ना मीडिया पर,
और आपके बिना कुछ किए हर चीज़ को ट्विस्ट करके ख़राब करके सारी दुनिया में दिखाया जाता है। अल्लाह के वास्ते एंटरप्रेन्योरशिप पर, एजुकेशन ऑफ द फ्यूचर पर और टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर पर आज से मंथन करके, चिंतन करके उस तरफ कदम बढ़ाना शुरू करिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। मेरे आने में वैसे ही बहुत देर हो गई थी, उसके लिए एक बार और माफ़ी मांगता हूँ। अस्सलामुअलैकुम।